अलग एडवेंचर हुआ है, अनोखी जगह, अलग जगह जो शायद आप लोगों को किसी ने दिखाई भी नहीं होगी, हम दिखा रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारी जगह दिखाएंगे आप। यहाँ क्या है, यहाँ देख लेते हैं, वो यहाँ से थोड़ा आगे जाके चेक करते हैं कि यहाँ क्या पर है। थोड़ा सा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। इसके नीचे क्या है, लाल लाल पत्थर सा है क्या? ये सफाई करने, ये डेड सेल जो होती हैं उनको खाने के लिए आती हैं। क्या जबरदस्त लग रहा है यार, बरसात में तो क्या आलम होता है। ये देखिए, ये रोड नहीं है जो ऐसा दिख रहा है आपको, ये सब बरसात में जो है मलबा बहकर आता है पहाड़ों से, तो उसी से ही ये सब देखिए टूटे टूटे पत्थर दिख रहे हैं आप छोटे छोटे, ये सब मलबा है, इसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है इसलिए सब दब गया है। लेकिन बरसात में मैं आपको दिखाऊंगा ये दोबारा जगह, बरसात में इस जगह का नक्शा ही बदल जाएगा देखना आप। अभी सब सूखा सूखा लग रहा है, घास सूखी, बरसात में ऐसा होगा ज़बरदस्त हरियाली, और सोच लीजिए इतना पानी होगा कि हम आ भी नहीं पाएंगे इधर को, ऐसा है। क्या शानदार ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, मज़ा आ गया देखने में, और बर्ड्स तो बहुत ज़्यादा अलग अलग देखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो दोस्तों थोड़ी सी दूर और जाना है, अब हमें ट्रैक करके जाना होगा क्योंकि बाइक नहीं पहुंच पाएगी और लाना भी नहीं चाहते क्योंकि जगह कुछ ऐसी है, आने को तो आ भी जाएगी बाइक लेकिन बहुत ज़्यादा खड़ी या कह लें बहुत ज़्यादा ढाल है। और देख सकते हैं आप हमारे छोटे भाई वहाँ खड़े हैं, ले आओगे, ले आओ फिर ट्राई कर लो। और क्या, आओ चलो फिर पैदल नहीं आएंगे आज, गर्मी लग रही है। हाँ हाँ देखा, नदी के पास आते ही बिल्कुल जहाँ पानी होगा वहाँ थोड़ी सी ठंडक तो आएगी आएगी हवा में। भाई जंगल तो ये भी है पूरा, पहले देख लेंगे आसपास है ना, तो पूरी ग्रास है आराम से बैठेगा इसमें टाइगर या लेपर्ड, बहुत ज़बरदस्त ग्रास है। ये क्या है, ब्लू विस्लिंग थ्रश, ये बैठ गई। आ गए, चलो आगे तो देखते आते हैं। अब हम आगे निकल के आ गए क्या, देखता हूँ कहाँ आपकी रोड कहाँ जा रही है बताओ। कैनाल है इसमें, लेकिन है पानी हल्का हल्का रिश्ता हुआ आ रहा है। देखो बर्ड ऐसी ऐसी उड़ रही हैं, गजब की बर्ड है। पहाड़ों की ऊंचाई देखें आप, सब खिसकने वाली चट्टानों वाले पहाड़ है, देखिए बरसात में सब खिसकते हैं ये। भाई लेपर्ड का ध्यान रखना है यार, कल ही एनकाउंटर, हाँ कल ही देखा है, और जितना डेंजर देखने में लग रहा है उससे भी ज़्यादा डेंजर है। हालांकि मैं कहना चाह रहा था कि जितना देखने में आसान लग रहा है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। देखिए लैंडस्केप पहले के आए भले ही, लेकिन ज़रा सी बारिश होती है चट्टान खिसकना शुरू, ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तभी तो मैं सोच रहा था कि रास्ता कैसे खुला हुआ है, लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है। हाँ वह जंगली जंगल है पे इधर आ जा रहे हम, पूरी गजब। यहाँ से देख के आते हैं पानी की जगह है, इधर से देख के आते हैं तो पैदल जाना पड़ेगा भाई, बाइक नहीं चलेगी इसमें, बाइक नहीं चलेगी। तो जगह आप देख सकते हैं, और यहाँ जो है हवा जो है ठंडी ठंडी लगने लग गई है, एक तितली उड़ती हुई, यही है कुदरत के खूबसूरत नज़ारे। ओहो उड़ नहीं रही है, उड़ गई उड़ गई, अभी येलो कलर की है, येलो एंड वाइट कलर मिक्स। ब्यूटीफुल। अब मैं थोड़ा नीचे देख कर चलता हूँ, अभी तक आप लोगों को जगह ये पसंद आ रही होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग सोच से भी चलता हूँ, पगमार्क ढूंढता हूँ अभी, क्या पता है मिल जाए। देखिए यहाँ पर काफ़ी हैं, डॉग्स के हैं, कुछ बकरियों के भी दिख रहे हैं मुझे, बस लेपर्ड या टाइगर के नहीं दिखने चाहिए, हालांकि टाइगर के बहुत कम चांसेस हैं लेकिन लेपर्ड के ज़्यादा हैं। ओह वाह पानी है, पानी है छोटे इस साइड,
और देखिए लीची लाए हैं साथ में हम खाने के लिए, और पानी की बोतल निकाल कर ले आए हैं हमारे छोटे भाई। लेकिन क्या ये नहाने लायक पानी है? शिट, पानी वहाँ बह रहा है। तो ये वो क्रॉस करके देखता हूँ क्या है, है ना, मछली है, मछली है। वाओ, छोटी छोटी मछली आई। लेकिन लेकिन तो बहुत गंदा पानी हो रहा है, मतलब पानी साफ है, पानी ठहर गया है ना, तो इसलिए मटीला हो गया। यार देख लो यहाँ पर है तो नीचे नीचे को देखें फिर पानी कहीं जहाँ साफ मिले। नहाना तो है यार, अलग एडवेंचर है वो तेरी। आज स्लीपर पहन कर आए हैं तो घूमने का मज़ा थोड़ा स्लीपर्स में भी है, और पानी देख सकते हैं आप शानदार तरीके से वहाँ से बहता हुआ आ रहा है। तो मैं देखना चाहूँगा कि पानी कितना है वहाँ पर। ओ बाप रे, देख रहे हैं आप बरसात में क्या आलम होता होगा। वो कितने कितने बड़े देखना यार, छोटे ये सब टूट के आया है। ये कुछ ऐसा बना हुआ होगा जो पानी रोकने के लिए बनाया गया होगा, और वो टूट चुका है ऑलरेडी। ओ वाओ भाई, पानी के पास वाइल्ड लाइफ भी मिल जाती है थोड़ा। यहाँ पे चढ़ के देखता हूँ, देख लो पहले। ताली मारते बजाओ, सही बात है, जो होगा अपना आप हट जाएगा या तो आ ही जाएगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अच्छा ही दीवार है यहाँ पर भाई, जबरदस्त भाई। कितने कितने बड़े पत्थर है, कुछ नहीं है तो वो कहाँ है? पानी और लीची, सीजन वाले फल खाएं। ओ भाई, अच्छा मैं मछली समझा। वो देखो ना यार, ये कहीं ना कहीं से आ ही जाता है कुछ ना कुछ बहता हुआ। ये केन है कुछ नहाने लायक हिसाब? अरे बाबा, मुझे टांग चिर गई। अच्छा पानी यहाँ गिर तो रहा है, बैठ के नहाने लायक है, लेकिन जगह में मज़ा नहीं आ रहा मुझे अभी फ़िलहाल। क्यों? जो नहाने का हिसाब नहीं बन पा रहा है यार। हमें चाहिए ऐसी जगह जिसमें हम ऐसा लगे कि स्विमिंग पूल हो, जहाँ पानी थोड़ा अच्छा ठहरा हुआ हो। इन सब में कई जमी गई है छोटे भाई। जंगल है आगे, हैं गुफा भाई, हट ले यार यहाँ से, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। वो देखना पूरा जंगल स्टार्ट है उधर को। ना ना इधर को आ जाओ, हाँ मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई। कल परसों में ही तो हमने देखा है लेपर्ड, क्या पता कहाँ बैठा हो। मतलब काई वाला लग रहा है ऐसा मुझे यार। पहाड़ देखें आप कितने ऊँचे हैं। तो दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा है, पता नहीं मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ यार। तो दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ, वो भी आराम से बैठेगा इसके अंदर कुछ ना कुछ। देख जरा रेत है यहाँ पर, पगमार्क वगैरह, मैं जरा चश्मा उतार कर देखूँ। ओ भाई गजब की जगह है। चलो चश्मा वापस लगा लिया है। तो वापस दूसरी नहाने की जगह ढूंढते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है पानी की? बाप रे यार, ये चट्टान पे जो घास है ना, ये तो हिमालयन गोरल के मतलब की है क्या है? मुझे मत डरा यार। ओ वाओ, पानी की आवाज़ आ रही है यार, लगता है कैनाल है। अरे मुझे चश्मे से नहीं दिख रहा। ओ हाँ हाँ हाँ, पानी गिर रहा है भैया, कैनाल का है, वहाँ से आ रहा होगा ऊपर से पहाड़ों से।
चलो चलो यहाँ से तो वो छिपकली आ रही जंगली, कैमरा नहीं निकाला यार। एक तो वो बैठी है अंदर देखिए सेंटर में, ये अलग कलर की है और ये अलग है। कहाँ गई वो? अभी अंदर को ही हो, पता नहीं क्या क्या है। अबे यार बड़ी अजब अजीब सी थी वो भाई, अलग टाइप की लिजर्ड है यार। वो दूसरी थी अलग, इसको और जूम करता हूँ। बहुत अंदर गुफा में है तो जाकर दिख पा रही है। चढ़ी कैसे देख रहे हो? टांगे चीर के। यहाँ से थोड़ा आगे जाके चेक करते हैं कि यहाँ क्या पर है। थोड़ा सा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है क्योंकि एकदम सुनसान जगह है, कोई भी वाइल्ड लाइफ कहीं पर भी हो सकती है। और दूसरी बात, यहाँ स्नैक्स भी हो सकते हैं, जैसे हमें अभी रेप्टाइल्स में मिली, अभी छिपकली जैसे जंगली टाइप, तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा संभल के चल रहा हूँ मैं, पैर पटक के चल रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि आज अभी चप्पल पहन रखी है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे हिसाब से यहाँ पानी को रोकने के लिए बनाया गया है ये। थोड़ा सोच समझ के इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देख भी रहा हूँ आसपास, ये बरसात में खुलता होगा। आप देख सकते हैं ये एक गेट टाइप है, इसके नीचे क्या है? ये लाल लाल पत्थर सा है क्या? ये देखिए आप, ये शिकंजा टाइप है, इसको खोलने बंद करने के लिए यूज़ करा जाता होगा। तो एज अ हिस्टोरिकल प्लेस भी लग रहा है, वाओ। वहाँ थोड़ा मेरे पानी साफ लग रहा है, वहाँ चल के देखते हैं, है ना? चलो आराम से जाना। अरे बाप रे, चप्पल में आया हूँ मैं, कहीं भी पहुँचा होगी नहाने के मामले में। पहले हम देखेंगे, यहाँ चादर बिछी हुई है सॉलिड रेत की, उस पर आप देख सकते हैं यहाँ कोई चल कर गया है। ये देखो इससे छीटे से पता लग रहा है, जो मिट्टी गिली हुई होगी ना, देखो लग रहा कुछ है। हाँ पहचान में तो नहीं आया, तो पानी है यहाँ पर। हाँ ये पानी भी तो आ रहा है, वो भी आ रहा है, दो आ रहे हैं। ये कैनाल से आ रहा है, ऊपर से देखा था मैंने, ये वाला ना कैनाल है ना। हाँ पानी तो साफ है यार ये वाला। हाँ ये पानी साफ है, ये जो है तो लग रहा है शायद हमें जगह मिल गई यार, लग रहा है शायद हमें जगह मिल गई। ये देखो साफ है, यहाँ काई नहीं है, नहीं है काई नहीं है। हाँ ओ भाई आराम से, मैं तो और यहाँ हरे रंग के कीड़े हैं। हरे रंग के कीड़े? हरे रंग के यार, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। अभी बैठेगा देखिए पत्थर पर, वो मिला कीड़ा तो नहीं मिला। मैं तो भाई नहाने का सोच रहा हूँ, अभी बहुत गर्मी लग रही है। ये मिल गई जगह, ये है ना, अब देख सकते हैं फाइनली जगह बहुत प्यारी है और साफ पानी है, नीट एंड क्लीन। नज़दीक से दिखाओ थोड़ा सा, लो मैं दिखा देता हूँ, हमारे हाथ में सामान है। हाँ 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 हाँ, ये कुदरत के नज़ारे के भी तो मज़े लिए जाएँ। छोटी छोटी मछली कहते हैं ना पानी की विपरीत दिशा में जाती है, तो आप देख सकते हैं अगर दिख रही होगी तो। और हम नहाने वाले हैं यहाँ पर, तो फटाफट, मेरे को तो वेट नहीं हो रहा अब, टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और पसीना अच्छा खासा आ गया। हाँ ग्रीन कलर का ना मिल गया, ये ग्रीन कलर का एक कीड़ा है जो बिल्कुल ही ग्रीन है, वो बैठा हुआ जाके आगे, वो कैमरे से आएगा, पास जाएंगे तोड़ जा रहा है। ठंडा पानी है, मज़ा आ गया। 41 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, धूप ऐसी है और मज़ा आ गया जी। मज़ा आ रहा, आऊँ मैं भी, आऊँ मैं भी आऊँ। हाँ बिल्कुल, अब हमारी बारी है, फटाफट कपड़े उतारते हैं, घुस पड़ते हैं इस पानी के अंदर। ये नेचुरल स्विमिंग पूल है जो कि एक रिवर है, अभी पानी नहीं है तो हम मज़े ले सकते हैं, जब पानी होगा तो यहाँ पर आपको ऐसे नहाने नहीं मिल सकता है। मुझे तो दिख भी नहीं रहा है, इतनी धूप है। आई होप फोटेज अच्छी आ रही होंगी, तो
सुकून बहुत है, ठंडा पानी है, मछलियाँ गुदगुदी मचा रही हैं। पानी काफ़ी ठंडा है, 41 डिग्री सेल्सियस में आपको अगर ऐसा लग रहा है मैं आइस क्यूब में बैठा हूँ, एक ज़बरदस्त है। अभी मैंने मुंह नहीं भिगाया है, ठंडा लग रहा है अभी, पहले ज़रा टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। देखिए पत्थर इतने गर्म है कि हमारे लिए पानी डालने की सुविधा मिली है हमें, और मैं इस पानी में अभी जाने वाला हूँ। बहुत ठंडा पानी भी है। कहाँ गई वो? ब्लू विस्लिंग सस, हाँ वो है वो। अब कैमरा यार बार बार नहीं निकाल सकता मैं, अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। हाँ 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 हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। अरे बाबा 41 डिग्री सेल्सियस में आपको कैसा लग रहा है? ओहो बहुत चिल्ड पानी है। मज़ा आएगा जी, साथ साथ एंजॉय भी हो गया, आप भी एंजॉय करें इस वीडियो को, हमें तो आ ही रहा है मज़ा। सूरज देख रहे हैं आपका, हाथ चमक रहा है, 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और घुस गए हम ठंडे पानी में, चिल्ड पानी हो रहा है, मज़ा आ गया जी। ला मुझे गोप्रो दे दो, मैं जरा हमारी लीची ठंडी कर दूँगा। लीची ठंडी होगी और हम भी ठंडे होंगे। चिल्ड लीची पानी में तैरती है? अबे बह जाएगी, बहता पानी है ये, कोई वो थोड़ी है। तो दोस्तों आ गया है हमें मज़ा, 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हम हैं ठंडे पानी में, तो फुल रिलैक्स, आंखें बंद, चश्मे में नहीं दिख रही होंगी फिलहाल, लेकिन मज़ा आ रहा है। दो लीची हमारे छोटे भाई ने खो दी है, नुकसान दो लीचियों का। मैं देख रहा था तो क्या पानी इसके अंदर डाल दिया क्या? हाँ ओके, मैं सोच रहा हूँ ठंडी हो जाएंगी ना इसमें। लाइक तो दे दे यार, भूख लग गई, ऐसा मत दिखाया मुझे। बहुत अच्छी लीची दी है तुमने, थोड़ी छोटी सी। अब लीची खाएंगे और लेंगे मज़े। इसके छिक्कल जो है, अगर कोई भी आता है इसी जगह पर इंजॉय करने, तो नेचर को गंदा नहीं करना है, नहीं आसपास के इलाके को। जिस थैली में हम ये लीची लेके आए हैं, उसी थैली में इसका पूरा कचरा लेकर जाएंगे। ये आप लोगों को भी करना है, हमें भी करना है। देखिए मैंने छिलका हाथ में पकड़ लिया, लीची को खाने का स्टाइल जो बगीचे में बैठ के खाते हैं वो किस तरह खाते हैं, इस तरह खाते हैं जी, इस तरह खाते हैं, मज़ा आ गया। सारी लीची बहा दी है मेरे भाई ने, तुम करना क्या जा रहे हो? पानी भर दिया उसमें, हो गया काम, कोई बात नहीं। तुम यार थैली को हटाओ यार, खाने की जगह तुम तो बहा रहे हो। मज़ा आ गया, आह हा, वो बहुत ही मीठी लीची है। और ये लीची जो है रामनगर की लीची है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है रामनगर देहरादून, यहाँ की लीचियाँ बाहर भी जाती हैं। और जिस लीची में छोटा बीज होता है ना, उसके ऊपर जो उसका गूदा जिसे बोलते हैं, जो मतलब खाने वाला हिस्सा होता है, वो ज़्यादा होता है। और इतनी सी बड़ी लीची होती है वो, और वो महंगी भी मिलती है। वो महंगी लीची आपको मिलेगी देखने को छोई में, एक जगह है वहाँ पर। अगर मैं उस जगह गया, एक लीची और आ गई हाथ में मेरे, अगर मैं उस जगह गया तो मैं आपको वो जगह ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल नहाते हैं, हमारे छोटे भाई ज़रूर आ गए हैं, और ये सनलाइट के अपोजिट है तो उनको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तो तुम इस साइड को आ जाओ हमारे पास, और दोनों भाई बातचीत करते हुए नहाते रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। मैं ज़्यादा डूब जा रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा गहरा लग रहा है। तो कैसा हो रहा भाई? तुम तो एक बार में चिल्ड हो गए, स्टेडियम कितना ठंडा हो रहा था। हाँ वही तो, ठंडा तो अब भी है। तो मज़ा आ गया जी, बिल्कुल अलग एडवेंचर हुआ है, अनोखी जगह, अलग जगह, जो शायद आप लोगों को किसी ने दिखाई भी नहीं होगी, हम दिखा रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारी जगह दिखाएंगे आप, क्योंकि बहुत घूम लिया जंगल। सही बात है। अब थोड़ा तो पानी के और गर्मी के भी मज़े लें। यही 41 डिग्री सेल्सियस में मैंने आपको घूम के दिखाया पूरा पूरा जंगल, जहाँ मुझे टाइगर, येलो थ्रोटेड मार्टिन, क्रोकोडाइल, मतलब क्या क्या एनिमल मैंने, क्या क्या वाइल्ड लाइफ मैंने आपको दिखा रखी है। अब मैं बातें करने में लगाऊँ तो मैंने एक लीची भी खाई भी नहीं है सही से। तो थोड़ा लीची खाते हैं, उसके बाद में थोड़ा आपसे बातचीत करते हैं। अच्छा नदी में बैठ के ना भूख बहुत लगती है, लीची हो आम हो। नेक्स्ट टाइम आम लेके आएंगे इसी जगह पर, नेक्स्ट टाइम आम लेके आएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब खाएंगे हम, आपके मुँह में पानी आएगा। तो मैं थोड़ा मछली तो आप मछली देखें, आप कितनी बहुत सारी हैं दिख रहा होगा उसमें, तो आप मछली देख सकते हैं। ये देखें आप कितनी बहुत सारी, पैरों पर दिखेंगे तुम्हारे। ये सफाई करने, ये डेड सेल जो होती हैं
उनको खाने के लिए आती हैं ये। देखिए यहाँ पर आके थेरेपी ले सकते हैं थेरेपी ले सकते हैं ऐसी वाली छोटी छोटी मछली आपकी डेड सेल को खाएंगी। देखिए कितनी सारी आ गई हैं। ये भी एक अलग तरीके का एडवेंचर है। वाह देखिए हमसे मिलने एक डॉगी आया है। ये पालतू लग रहा है किसी का। सब तरफ तो जंगल है, ये है किसका? तो दोस्तों फाइनली हम नहा लिए हैं। देखिए एकदम चक्कू हो गए नहाकर और मज़ा आ गया है बिल्कुल। अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गर्मी है ही नहीं। हाँ, इतना ठंडा तो पानी था। मज़ा आ गया है हमारे भाई को भी और हमें भी, और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने क्या क्या स्ट्रगल किया है वो आपने खुद देखा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अलग अलग जाने की एक इच्छा जागती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।